अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक 11 साल की या 10 साल की बच्ची की एक टॉप का बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन, जो हम प्लान पे प्रिंटेड जो कपड़ा है उसका हम बनाएंगे। बहुत आसान है, तो शुरू करते हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो है आप लोग मेरी वीडियो देखकर कुछ ना कुछ बनाते भी होंगे। तो ये जो है मैंने टॉप का ऊपर का हिस्सा काटा हुआ है, इसकी कटिंग का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगी, वो मैंने पिछली वीडियोस में डाला हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि ये किस तरह से कटिंग की जाती है। इसके नीचे फ्रिल भी मैंने काट ली हुई है। हम चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। ये पीछे की साइड है, बैक साइड। अब बैक साइड की मैंने कटिंग कर ली हुई है, ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड की मैंने कटिंग नहीं की, इसलिए कि मुझे इसके ऊपर प्लेट्स का काम करना है। व्यूअर्स, जब भी आप लोगों को किसी भी टॉप पे या शर्ट पे आगे जो है यहाँ पे प्लेट्स का काम फुल करना हो, तो आगे की जो है चौड़ाई वो ज़्यादा निकालते हैं और पहले जो है प्लेट्स का काम करने के बाद बैक साइड को उसके ऊपर रखकर फिर कटिंग कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये बैक साइड है इसकी। फ्रंट साइड का जो ये वाला पीस है, यूँ लंबाई और चौड़ाई मैंने इससे लंबाई बराबर रखी है और जो चौड़ाई है वो मैंने इससे तकरीबन 4 इंच ज़्यादा रख ली है। अब ये जो है इसका बीच का पार्ट, यहाँ पे मैं डिज़ाइन शुरू करती हूँ। तो मैं स्केल से पहले लाइनें लगाऊंगी व्यूवर्स, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो जाए ये देख करके। ये तो बहुत ही आसान है, हम जल्दी से झटापट बना लेंगे। और जो है इस तरह से स्केल को इसको बिल्कुल बीच में रखना है इस तरह, और हमने इसकी दो लाइनें लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बटन पट्टी तैयार की हुई है प्रिंटेड कपड़े की, ये देखें। इसको मैंने बीच में अप्लाई करना है, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल सीधा दो लाइनें लगाऊंगी, ताकि मुझे जब मैं बनाऊं और स्टिच करूं तो मुझे परेशानी ना हो और मैं बिल्कुल सीधा सीधा काम करूं। ये देखिए, आप लोगों ने भी इसी तरह स्केल रख के इसी तरह लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखें इस तरह से, इसी स्केल की मदद से दोनों तरफ आप टेलर चौक से या पेंसिल से निशान लगा लें। पेन से मत लगाएं, उससे फिर ये है कि धुलता नहीं है, पेन का वाश नहीं होता अच्छे से, निशान रह जाते हैं। ये देखें इस तरह से, ये मैंने दो लाइनें लगाई थी। और पट्टी जो है, मैंने ये पहले से मेरे पास कपड़ा था तो मुझे ये प्रिंट पसंद था, तो मैंने इसको यूं और इस तरह यूं करके इस प्रिंट के हिसाब से इस बॉर्डर को जैसे कि तैयार कर लिया है। और इसको मैं यूं रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, इस तरह से बिल्कुल इस टॉप के दरमियान में लगेगी ये सिलाई। इसके साथ मुझे यहाँ पे प्लेट्स का काम करना है, तो पट्टी लगाने से पहले मैं प्लेट्स के निशान भी लगा लेती हूँ, ताकि आप लोगों को फिर जब सी कर दिखाऊँ तो समझ में आए। तो आइए फिर प्लेट्स के निशान लगाते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो बीच के निशान थे, इससे इंची टेप के हिसाब से 1 इंच के फासले से मैं जो है वो निशान लगा लूँगी इस तरह से। फिर दोबारा इस तरह 1 इंच के हिसाब से रखेंगे, ये देखें इस तरह से। तो ये हमारी लाइनें बिल्कुल सीधी आएंगी और जब हम प्लेट्स डालेंगे तो हमारे बिल्कुल एक बराबर के आ जाएंगे। ये देखें, ये बटन पट्टी का था, दो मैंने इस तरफ डाल दिए हैं, एक और डालूंगी, 3, और 3 मुझे इस तरफ भी डालने होंगे जी व्यूअर्स। तो ये मैंने 3 निशान इस तरफ 1-1 इंच के फासले पे और 3 निशान इस तरफ 1-1 इंच के फासले पे स्केल की मदद से लगा लिए हैं। इस जो पट्टी है इसको मैं बीच में रखते हुए एक सिलाई इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे लगा लूँगी। उसके बाद मैंने इन प्लेट्स को इस तरह से पकड़ते हुए यूं मशीन में रखते हुए बिल्कुल अच्छे से कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। और धागा मैंने थोड़ा सा मोटा यूज़ किया है फिरकी में, और ऊपर का सेम धागा मैचिंग है लाइट ब्लू, तो वो आम धागा है सिलाई वाला, तो मोटा धागा मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि जो सिलाइयाँ हैं वो नुमाया नज़र आएँ और खूबसूरत दिखे। तो चलते हैं फिर सिलाई की तरफ। ये हमने सिलाइयों का काम कर लिया है, और ये मैंने इसके ऊपर पट्टी रखकर इस तरफ कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, ये हमने बड़े अच्छे से तरीके से इसको सेट करके सिलाइयों का काम करके प्रेस कर लिया है। अब हमें ये बैक साइड इसकी पीछे वाली जो है वो इसके ऊपर रखनी है इस तरह से, बिल्कुल दरमियान में
इस तरह से इसको यूं कर लेंगे, निशान लगा लेंगे व्यूअर्स, और इस निशान को बिल्कुल इस बटन पट्टी पे इस तरह से रखते हुए पिन से लगा लेंगे, या और इसके साथ साथ से इसको यूं बिल्कुल बराबर से कट कर देंगे ताकि वो बिल्कुल उसके एक जैसा आ जाए। देखें इस तरह से भी, और अब इस तरफ से भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से काट लीजिए साइडें। अब हमने इसके ऊपर कॉलर बनानी है, और कॉलर की जो है वो मैं बुकरम के ऊपर आप लोगों को कटिंग करना बताती हूँ। पहले इसकी गुलाई नीचे से कट कर लें, ये देखें इस तरह से जो हमने 1.5 इंच लेके गुलाई की है, इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे दोनों साइडों से। और ये व्यूअर्स देखें इस तरह से कटिंग हो के ये हमारा बैक साइड और ये हमारा फ्रंट साइड ये रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे अच्छी सी कॉलर बनानी है। कॉलर की कटिंग के लिए हम तैयारी इस तरह से करेंगे, आगे वाला हिस्सा लेंगे, इसको बिल्कुल दरमियान में इस तरह से रखते हुए यहाँ से हम चौड़ाई जो है इसकी 2.5 इंच लेंगे बिल्कुल यूं, और लंबाई इसकी हम 4 रखेंगे। इसको वी की शक्ल में इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से देखें हल्का सा कर्ल के साथ बिल्कुल यूं इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ये देखें। और अब हमें कॉलर किस तरह कटिंग करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ बुकरम के ऊपर कट करके। ये देखें व्यूअर्स, ये ही जो मैंने गले के दरमियान से जो पीस काटा था इसी पीस को मैं इस तरह रखते हुए और बुकरम को डबल करते हुए सेम गला कटिंग करूँगी कॉलर के लिए। ये देखें इस तरह से। इसके बाद मैंने यहाँ से 2.5 इंच, अगर आप चौड़ा पसंद कर रहे हैं तो 2.5 इंच, वरना 2 इंच या 2.25 इंच, जिस तरह भी आपको चाहिए इसी तरह से यूं निशान लगाते हुए हमने एक निशान वो मार्क कर लेना है। ये 2.5 इंच पे हमें ये निशान मार्क कर लेने हैं, ये देखें इस तरह से बिल्कुल सेम 2.5 इंच पे ही ये सारी लाइन हमें लगानी है, इस तरह से ये देखें। उसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच लेना है और इसको बिल्कुल सीधा इस कोने तक निशान लगा लेंगे। ये बस ये मेरी कॉलर की कटिंग है जो उसके ऊपर मैंने बनानी है। मैं आप लोगों को इसकी कटिंग करके भी बताती हूँ। अब यहाँ से इस तरह से देखें, अब मैं आपको रख के बताती हूँ। ये देखें ये हमने जो शर्ट तैयार बनाई है के ऊपर ये कॉलर हमें इस तरह से लगानी है, और ये वाली जो कॉलर है हमें अलग से तैयार करनी है ब्लू कलर के कपड़े पे, और इसको उसके ऊपर चिपकाएंगे। ये जो ब्लू कलर का कपड़ा है इसकी उल्टी तरफ इसे हमने इस तरह चिपका लेना है प्रेस की मदद से, और फिर इसको डबल करते हुए कपड़े को इस तरह से डबल करके देखें ऐसे टेबल कपड़े पे चिपकाएंगे। ये व्यूअर्स ये जो है चिपकाते हुए ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल इतना ही आए, देखें बिल्कुल ये इसके सेम और इसके हिसाब से पूरा आना चाहिए, ये देखें ऐसे। इसके बाद इसको हटा के फिर इसको प्रेस से करते हुए इस्त्री की मदद से इसको चिपका लेंगे, और उसके बाद इसकी यहाँ से सिलाई इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगा ली है मैंने यहाँ से यूँ इस तरह से और इस तरह से और यूँ। अब इसके साथ साथ हमने कटिंग करनी है। ये जो फालतू फालतू है ये एक बराबर इस तरह से रखते हुए अंदर से और बाहर से कटिंग कर लेनी है। देखें इस तरह से
इसकी छोटे छोटे कट भी लगाने होंगे हमें इस तरह से। इसके बाद इसमें छोटा सा कट लगेगा बिल्कुल कॉर्नर तक, इससे हमारी नोक अच्छी बन के आएगी। और इसके बाद इसके अंदर से भी कटिंग करनी है, ये फालतू यहाँ से काटते हुए हमें इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए फिर कटिंग करनी होगी। ये देखेंगे बस इस तरह से, और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से, ये देखें इस तरह से। इसके बाद इसमें हल्के हल्के कट लगाएंगे हम और फिर इसको सीधा कर लेंगे। कोनों में एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग करना है, इससे ये होता है कि कोना बहुत अच्छा निकल के आता है। कैंची की नोक से या किसी और चीज से इसके कोनों को अच्छे से निकाल लें। और इसके बाद इसकी अच्छी सी प्रेसिंग बना लें, ये देखें इस तरह से। ये मेरे पास जिगजैग लेस है छोटी छोटी सी, और इसको मैं इस जगह पे जो है वो सिलाई की मदद से लगा लूँगी ताकि खूबसूरत नज़र आए। और अगर व्यूअर्स ये हमारे पास है इसका जो ड्रेस, इसमें हम यहाँ पे लगाएं तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, ये देखें इस तरह से। तो फिर ये मैं लगाने के बाद आप लोगों को गला लगाने का तरीका बताती हूँ। ये मैंने कॉलर जो है इसको उल्टी तरफ रख के और इस जगह पे सिलाई लगा ली है, और यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे कॉर्नर में, और यहाँ भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ये देखें इस तरह से। इसमें भी इसी तरह से कट लगा लेंगे गोलाई में। अब हम इसको पलटते हैं सीधी तरफ इस तरह से, ये देखें बस ये। ये मैंने लैस यहाँ लगा ली थी, ये देखें, और ये इस तरह से डिज़ाइन है। व्यूअर्स ये कॉलर और ये डिज़ाइन में आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाह रही थी। अब इसके नीचे फ्रिल और स्लीव्स लगेंगे, तो व्यूअर्स मैं मुकम्मल करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप लोग इससे क्या फ़ायदा ले रहे हैं, मुझे भी दिखाइए बना के कुछ। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।